महीनों बाद आई पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट। पेट्रोल 8 से 9 पैसे, डीजल में 10 से 12 पैसे लीटर तक की कमी। अगले 40 दिन में पेट्रोल डीजल में हो सकती है 3 रुपए लीटर तक की कमी। कच्चे तेल में 20% गिरावट के अनुमान ने बढ़ाई उम्मीद। पैसेंजर व्हीकल की रिटेल बिक्री अगस्त में 7% घटी। सभी वाहनों की कुल बिक्री पिछले साल के मुकाबले 27% कम हुई। मंडी में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचे। टमाटर की कीमतें 80 रुपए के पार। अब स्लीपर और जनरल क्लास में भी होगा ऐसी अतिरिक्त रकम चुकाए बगैर आरामदायक सफर कर सकेंगे रेल यात्री। ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर पर कोरोना काल में संकट गहराया। अभी तक 5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के नुकसान की आशंका। अगस्त में म्यूचुअल फंड की ज्यादातर स्कीम से निवेशकों ने निकाले पैसे। डेट और इक्विटी से हुई सबसे ज्यादा निकासी। ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5% तय किया। ब्याज का भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा। ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए गूगल ने लॉन्च किया वेरीफाइड कॉल फीचर। कॉल करने वालों की बताएगा पहचान। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ 151 गुना सब्सक्राइब हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लिए आवेदन मिला।